बीजेपी का आएगा खुल के नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में मोदी जी रहेंगे, यूपी में योगी जी रहेंगे, यहाँ तो ढोंगी है ये है देखिए नीतीश कुमार जी भागेगा सटा देंगे बस, अब 400 पार का 800 पार जाएगा, नीतीश जी का फैमिली भी देगा वोट। सरकार के नियम है परिवर्तन, हमारा स्टूडेंट भाई से निवेदन करते हैं कि इस बार परिवर्तन एक बार करके देखिए, 10 साल आपने देखा एक बार और कांग्रेस को देखिए, जरूर नौकरी होगा, समय आ रहा है परिवर्तन, लोग देख करा देगा। नीतीश जी ने काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, झूठा है, घोषणा मंत्री है, वो घोषणा मंत्री है, जो घोषणा करता है उसको लुप्त कर देता है। नीतीश कुमार है ये जुमला, तेजस्वी जी के सरकार भारी बहुमत से बनने वाला है बिहार में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का ही सरकार रहेगा। और जो जो लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है त्यों देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियों में जुट चुकी है। अगर देश भर की पार्टियों की बात करें तो सीटों का भी बंटवारा हो गया और साथ ही साथ उम्मीदवारों की भी घोषणा हो गई है। और खासकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए में तो सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव उम्मीदवारों का घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या महागठबंधन में टूट हो गई है, क्योंकि सीटों का बंटवारा ना ही कांग्रेस को अभी तक सीट मिली है, ना ही महागठबंधन में तमाम जितने भी घटक दल शामिल हैं उन्हें सीट मिली है, लेकिन लालू यादव पहले ही सिंबल बांटने में लग चुके हैं, क्या जल्दी है लालू यादव को? आइए हम आपको पटना की जनता की राय बताएंगे कि आखिर पटना की जनता क्या सोचती है लालू प्रसाद यादव को लेकर और एनडीए को लेकर। देखिए हम मौजूद हैं पटना की जनता के बीच और जनता की राय, क्योंकि महज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है जनता की राय, कि जनता का मिजाज क्या है, पब्लिक का मिजाज क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के। बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हम एक एक करके लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा भी मौजूद हैं। 2024 में किसकी सरकार लाएंगे? बीजेपी का आएगा खुल के नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में मोदी जी रहेंगे, यूपी में योगी जी रहेंगे, यहाँ तो ढोंगी है ये है देखिए। कौन है ढोंगी? नीतीश कुमार जी। तो नीतीश को आपके मोदी जी ने रख लिया है? रख लिया, बोले ना कि सर बीच में तो गायब हो गए थे ना, हाँ फिर आ गए हैं, आपका मिलने फिर चले जाएंगे, तो फिर चाटेंगे पतल, वो पतल चटवाना है, फिर आएंगे, फिर आ जाएंगे। अबड़ी जाएंगे ना तो अबड़ी बीजेपी वाला बोला है कि अबड़ी लकर सुंघवा लाठी रखे हुए हैं, जखनी भागेगा सटा देंगे बस, अब कि 400 पार का 800 पार जाएगा, नीतीश जी का फैमिली भी देगा वोट, 800 पार होगा अबड़ी। क्यों तेजस्वी? होगा चाचा 800 पहले है, लोकतंत्र जो है 553 को पूरे भारत में सीटें हैं, तो ये 800 पार कैसे है भैया? कॉमेडी डाल दिए हैं, ये बात कहिए 553 सीट है जैसे पेंट रंगवा। देखिए हमारा एक ही कहना है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन जब तक नहीं होगा हमारे स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर कोई कहता है कि रोजगार मिलेगा, हम नहीं समझते रोजगार मिलेगा, जब मेरे जैसा गरीब आदमी को सबसे नीचे स्तर पर है, हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को लेटर दिए हैं, रेल मंत्री को दिए, चक्का तक के जाम किए, हर एक स्टेशनों पर हमारा कुली जो है आंदोलन भी चलाया है, सांसद यहाँ तक तीन सांसद में बोले, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बोले, केजरीवाल का सांसद बोले, उसके बाद जो है एकाव शर्मा जी वो भी सांसद में बोले कि ना इन लोग को मिला हुआ अधिकार है दे दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं दिए। और 2 करोड़ जनता के कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, बताइए 10-15 हज़ार नौकरी नहीं दे पाते हैं, वो 2 करोड़ जनता को क्या नौकरी देंगे हमारे स्टूडेंट के? ये जो है ये जुमलाबाजी है, इसलिए परिवर्तन संसार के नियम है, परिवर्तन हमारा स्टूडेंट भाई से निवेदन करते हैं कि इस बार परिवर्तन एक बार करके देखिए, 10 साल आपने देखा एक बार और कांग्रेस को देखिए, जरूर नौकरी होगा, एकदम 100% नौकरी होगा, क्योंकि कांग्रेस रीजन में ही हम लोग राहुल को गद्दी पे बैठा, एकदम बैठाइए, आप बैठाइए ना तो उसको भी 5 बरस के बाद कान उखाड़िए, फिर दूसरा बीजेपी लाइए, आना तो है, परिवर्तन कीजिएगा तभी ना विकास होगा। अब बताइए पेपर लीक हो जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है, हमारा स्टूडेंट इतना लोग जा रहे हैं परीक्षा देने, हैं हो गया पेपर लीक, इससे कितना हमारा स्टूडेंट का पैसा, उसका गार्जियन का कितना खर्च गिरा एक बच्चा पर, वो तो आप आकलन कर सकते हैं मीडिया महोदय, हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, इंटरे हैं, लेकिन आप लोग आकलन कीजिए कि कितना
खर्च हुआ और हम देखे ट्रेन पर कि कितना कितना जो है कि स्टूडेंट जो है कि बेचारा ट्रेन से गिर गया, कितना जो है कि जाने वाला रिजर्वेशन वाले व्यक्ति को दिक्कत हुआ, सामना करना पड़ा, कितना ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, ये सब है। ठीक है, अगर आप सरकार में हम अगर आप आते हैं दोबारा तो कम से कम छोटा छोटा चीज पर जो धरना प्रदर्शन करता है उस पर भी आपका निगाह जानी चाहिए। अगर मान लिया कहीं से स्टूडेंट का भी कोई आवाज़ उठता है उस पर तुरंत एक्शन लीजिए, कोई असंगठित लोग भी अगर आवाज़ उठाता है तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, तभी ना विकास होगा। संगठन बोलते रहता है, चिल्लाते रहता है, आप करुआ तेल दे के चश्मा पहन के खाली विदेश घूमिएगा तो कैसे काम होगा हमारा भारत में, बताइए सर। मोदी या फिर परिवर्तन होगा। अरे भारत में सबसे बड़ा मोदी जी हैं, अब बिहार में नीतीश है और साथ में उनके साथ में एगो पदाधिकारी है के पाठक है, ये तो बड़ा जुमलाबाज है के पाठक। और क्या कहेंगे, परिवर्तन होगा और समय आ रहा है परिवर्तन, लोग देख करा देगा। नीतीश जी ने काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, झूठा है, घोषणा मंत्री है, वो घोषणा मंत्री है, जो घोषणा करता है उसको लुप्त कर देता है। तेजस्वी चाहिए या फिर राहुल गांधी? यहाँ बिहार में तो तेजस्वी आएगा ही, और देश में राहुल। एकदम परिवर्तन होना है, लिख लीजिए आप, 400 नहीं 800 पार कर जाएगा कभी जिंदगी में होगा इसको। इस बार बीजेपी को पता चल जाएगा क्या हाल है, बीजेपी को पता चल जाएगा इस बार कि क्या हाल है। नीतीश कुमार जुमलेबाज है, नीतीश कुमार है ये जुमलेबाज। तेजस्वी जी के सरकार भारी बहुमत से बनने वाला है बिहार में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का ही सरकार रहेगा, और बिहार का जहाँ बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी का ही सरकार बनेगा बिहार में, इसलिए बनेगा। जन विश्वास रैली में आप जाकर देख सकते हैं, गांधी मैदान में अकेले दम पर युवा नेता खचा खच भर दिए, और उसके बाद रैली निकालने के बाद ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी रैली निकालने लगे धाए धाए कि हमारा बिहार में सरकार गिर जाएगा एनडीए का, और एनडीए में बिहार का तो सरकार गिरेगा ही, क्योंकि हमारे ऐसा कितना युवा लड़का है जो चाह रहे हैं कि बिहार में सरकार में बदलाव हो, केंद्र में हमारे ऐसा कितना भी युवा लड़का है जो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी रहे और बिहार में बदलाव हो, और बिहार में बदलाव होगा तेजस्वी जी की ही सरकार बनेगा, क्योंकि 17 महीना में काम करके तेजस्वी जी ने दिखाया है, शिक्षा नीति स्तर पर काम किए हैं, 1.5 लाख वैकेंसी दिया, और नीतीश जी कहते हैं कि हम वैकेंसी दिए, रोजगार चाहिए तो नीतीश सरकार चाहिए, और तेजस्वी जी कहाँ गए, तेजस्वी जी कुछ नहीं किए हैं, तेजस्वी जी अकेला दम पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं और अकेला दम पर ही चुनाव लड़ के ही दिखाएंगे। 2025 के राज्यसभा के चुनाव में तेजस्वी जी भारी बहुमत से बाजी मारेंगे। 2020 में तो नीतीश कुमार जी खुलेआम कह दिए थे, मंच पर ऐलान कर दिए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो नीतीश जी पलटू राम है, वो तो एन्ने से उन्ने केनियो पलटते रहते हैं, और एनडीए से हटेंगे ना तो उनका कोई कुत्तो नहीं पूछेगा, और तेजस्वी जी के ना एक बच्चा भी पूछेगा। बीजेपी तो कह रही है लालू यादव परिवारवाद करते हैं, लाल कुछ नहीं परिवार है, भ्रम है परिवारवाद, तेजस्वी जी के ही सरकार भारी बहुमत, एक बार तेजस्वी जी के सरकार बिहार में बनना चाहिए, क्योंकि नौ युवा लड़का चाह रहे हैं बदलाव, नीतीश जी सिर्फ काम किए हैं, पुल बनाए हैं और रोड, ये सब पर ध्यान दिया, और नालंदा में ध्यान दिया, अपना पूरा विकास चमका दिया, और कहीं नहीं, और तेजस्वी जी पूरा क्षेत्र में जाकर ध्यान दिए हैं अकेले 17 महीना, इसीलिए उनको डर हो गया नीतीश जी को कि हम उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी जी को रखे हैं तो चुनाव नियर आ रहा है और वैकेंसी निकालेंगे, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ऐलान कर दिए हैं कि अब कोई वैकेंसी नहीं देंगे, और देख लीजिए वैकेंसी रुक गया है, सिपाही में घोटाला हुआ, उसके बाद उसका कोई एग्जाम का कोई कहता पता नहीं है, और तेजस्वी जी ऐलान किए थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, रोजगार दे रहे थे, जो कि इनको उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, इसलिए डर हो गया ना कि इनका सरकार भारी बहुमत से बन जाएगा, और नौ युवा लड़का तेजस्वी जी के साथ खड़ा था कि अब की तेजस्वी जी को जिताना है, एकमत था, इसीलिए एनडीए सरकार भारी बहुमत से
गठबंधन बनाकर और नीतीश जी को अपने पक्ष में ला दिया और फिर से इनको पलटू राम बनाकर एनडीए में घुसा दिया, क्योंकि महागठबंधन में रहेंगे, महागठबंधन में रहेंगे ना क्या कहते हैं एनडीए जो है ना इनको कोई नहीं पूछेगा और तेजस्वी जी की सरकार आने वाला 2025 में बन जाएगा और नीतीश जी का कुत्ता भी कोई नहीं पूछेगा, इसीलिए पलान सेट कर लिया गया और सेट करके एनडीए में नीतीश जी को घुसा दिया गया, क्योंकि आने वाले 2025 में नीतीश जी को ही गद्दी पर बैठाया जाएगा और आप देखते रहिए 2025 में आरजेडी का सरकार भारी बहुमत से बनने वाला है।